आज हम औषधि के विषय में नहीं, अपितु जो हमारे नित्य जीवन में प्रयोग में आने वाली जो वस्तु है और जिसका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और सभी इससे बहुत ही सुपरिचित हैं, चाहे पौधे को सभी ने देश के अधिकांशतः लोगों ने देखा है, पौधे को नहीं भी देखा हो इसके नाम से सभी सुपरिचित हैं, एक ऐसा भोजन, एक ऐसा अनाज। आज हम उसके संदर्भ में बात करेंगे, इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में। तो वास्तव में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने औषधि उसको माना जिससे हमें जीवन प्राप्त होता है, जो नित्य प्रति जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे वह अन्न के रूप में, फलों के रूप में, दूध या साग सब्जी के रूप में, सभी कुछ तो हमारे लिए वह जीवनदायी है। उससे हम ऊर्जा शक्ति प्राप्त करते हैं, उसको व्यवस्थित रूप से यदि हम सेवन करें तो बहुत सारे रोगों की परिसमाप्ति भी हम उसके द्वारा कर सकते हैं। इसीलिए प्राचीन काल से ही ऋषियों ने उसको, अन्न को भी औषधि के रूप में ग्रहण किया, औषधि के रूप में उसकी मान्यता दी गई। तो बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जिनका हम नियमित रूप से सेवन नहीं कर सकते हैं, वो किसी रोग परिस्थिति होने पर, कोई बीमारी होने पर, कोई शरीर में कोई विकृति पैदा होने पर हम सेवन करके उस विकृति को दूर करते हैं। कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिनको हम नियमित रूप से सेवन करते हैं तो वो विकृतियों से भी हमें बचाता है, और विकृतियां आ गई तो युक्ति पूर्वक सेवन करने से उन विकृतियों को हम दूर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस जंगल में, सुनसान, जहाँ कहीं हल चल रहा है, कहीं किसान लोग काम कर रहे हैं, कहीं लोग इस खेत को देख करके किसानों का जो हृदय है वह वास्तव में प्रसन्न और प्रफुल्लित हो जाता है। जिस तरह से अपने जो किसान की समृद्धि और संपन्नता का यह प्रतीक भी है। तो मैं बात कर रहा था गेहूं के विषय में। गेहूं गेहूं को यदि हम बॉटनिकली हम जाते हैं तो इसको जो है ना ट्रिटिकम एस्टिहम और ट्रिटिकम बल्गेरा, इसकी दो मुख्यतः प्रजाति मानी गई है। तो ट्रिटिकम बल्गेरा या ट्रिटिकम एस्टिहम, तो ये जो है इसमें यदि संस्कृत की दृष्टि से हम बात करें इस गेहूं के विषय में, प्रायः संस्कृत में जो बहुत प्रचलन में नाम है उसका नाम इसका गोधूम है, गोधूम के नाम से हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, इसको अरूपा भी कहा गया, और दूसरा क्षीरी, क्षीरी भी इसका गेहूं का संस्कृत का नाम है। बहुत कम विद्वानों को शायद क्षीरी नाम से वो गेहूं को जानते होंगे। और इसको बहुदुग्धा भी कहा गया, जब ये कच्चा होता है, जैसे अभी ये अर्धपक्व स्थिति में है, जो ये कच्चा होता है इसको यदि हम तोड़ते हैं तो इसके अंदर से ये काफ़ी दूध निकलता है। तो इसको जो है ये दूध आप देख सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा दूध निकलता है, तो इसीलिए इसको बहुदुग्धा भी कहा गया। यदि कच्चे को हम पीसें तो इसमें करीबन मैं समझता हूँ कि 80-90% जो है लिक्विड दूध जैसा पदार्थ इसमें से मिलता है। इसीलिए गेहूं को बहुत पौष्टिक भी माना गया है। और एक और भी विचित्र बात है कि गेहूं को हमारे शास्त्र में मिलेच्छ भोजन भी कहा गया। शायद मिलेच्छ भोजन इसलिए कहा गया कि यह थोड़ा मल को भी बढ़ाता है, तो मल की अभिवृद्धि करने की वजह से, या हो सकता है कि मिलेच्छ देश में पैदा होने की वजह से भी होगा, तो इसको मिलेच्छ भोजन भी कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि इसको आयुर्वेद के अंदर शीतल कहा गया। कई लोग कहते हैं कि गेहूं बहुत उष्ण होता है। गेहूं का जो अनाज, जो भी प्रयोग हम करें, यदि शास्त्र की दृष्टि से हम बात करते हैं, जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो भी जानते हैं कि घी नया होना प्रतीक है कि हमारे समृद्धि का भी, और घी जितना नया होता है उतना ही गुणकारी हो जाता है, पुराना घी भी गुणकारी होता है, वो मात्र औषधि के रूप में प्रयोग करने योग्य रह जाता है, घी पुराना हो जाता है, तो नित्य प्रति भोजन का पार्ट नहीं बन सकता क्योंकि वह जहरीला हो जाता है। इसी तरह से अनाज के विषय में कहा गया कि यदि अनाज नया होता है तो नुकसान करता है। जैसे अनाज पक गया, पकने के बाद में जैसे गेहूं की बात करें या हम धान की बात करें, दूसरी भी फसलों की बात करें, तो हमने ऐसा देखा है
कि अनाज पकने के 3-4 महीने के बाद में ही यदि हम उस अनाज का प्रयोग करते हैं तो वो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त अनाज यदि 1 साल 2 साल पुराना हो जाता है, सुरक्षित रूप से रखने के लिए हमारे अभी इस तरह के भंडारण की व्यवस्था प्राचीन काल से रही है। मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी का हमने एक अनाज के रखने को व्यवस्थित रूप से हम संग्रहित करने की एक विधा रही है, जिससे कि अन्न सुरक्षित भी रहे, कीड़े भी ना लगे, परंतु वह पुराना होने से गुणकारी ज़्यादा हो जाता है, वो सुपाच्य हो जाता है, शरीर के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही अन्न भंडारण की भी एक व्यवस्था रही। और दूसरा, यदि उस पक्षी के विषय में हम बात करें तो मैं एक बात कह सकता हूँ, क्योंकि अनाज जो है वह जिसके घर में, जिस किसान के पास पुराना अनाज है, इसका अर्थ यह है कि उसके पास इतनी संपदा है कि वह अन्न को संग्रहित करके रख सकता है, तो वो संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता था। इसी तरह से घी नया है, घी नया है अर्थ उसके घर में पशु, दुधारू पशु हैं, इसलिए वह प्रतिदिन जो है घर में वह गोदुग्ध का या गोघृत का सेवन के योग्य वह परिवार है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संपन्न घर है। तो यह एक प्रतीक भी थे, नया घी और पुराना अन्न। तो हम बात कर रहे थे गेहूं के विषय में। तो गेहूं को आयुर्वेद के अंदर शीतल माना गया है, पौष्टिक माना गया है और इसको वीर्यवर्धक भी माना गया है। और यूनानी मत के हिसाब से यदि हम बात करते हैं तो अनाज को पौष्टिक तो माना ही गया है, और यूनानी मत वाले लिखते हैं कि गेहूं जो है शरीर को मोटा करता है और काम इंद्रिय को ताकत देता है, यानी कि इसको कामोद्दीपक भी यूनानी मत के हिसाब से माना गया है। तो शरीर को मोटा और काम इंद्रिय को ताकत देने के लिए भी कहा कि गेहूं का सेवन करें। तो गेहूं का हम विविध रूप में सेवन करते हैं। सबको पता है कि हम पूरे देश में भारतीय व्यंजन में जो गेहूं की रोटी है वो सुप्रसिद्ध है, सभी लोग रोटी प्रतिदिन सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम गेहूं का दलिया बना करके खाते हैं, गेहूं का हम दूसरे विविध व्यंजन बनाते हैं। गेहूं हमारे जीवन के लिए एक अपरिहार्य अन्न है। और आज जो हम भारत देश के अंदर हरित क्रांति की बात करते हैं तो उसमें से एक जो अनाज है हरित क्रांति के अंदर, ये गेहूं भी एक महत्वपूर्ण अनाज है। तो यह निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है। तो इसके विषय में हम इसकी जो औषधीय गुणों की चर्चा करें उसमें से एक दो बातें ऐसी हैं जो मैं बहुत बताना चाहूँगा कि मैंने आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ा, हालांकि उसका अभी प्रयोग करने का मौका नहीं मिला, पर आप प्रयोग कर सकेंगे। क्योंकि वैसे किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया तो इसके लिए लिखा है कि पागल कुत्ते ने काट लिया तो उस जगह पर जहाँ उसने काटा है उस जगह पर, या किसी जानवर ने काट लिया, हमें पता नहीं है कि ये पागल है कि नहीं है, ये पता करने के लिए उस जगह पर आप गेहूं के आटे को मांड करके, यानी कि आटे को पानी मिला करके, जैसे लुगदी जैसा बना करके, जो रोटी बनाने के लिए आटे की लुगदी बनती है ऐसा बना करके, जानवर ने जैसे किसी आदमी को काटा उस जगह पर उसको लगा लें, आटे को थोड़ी देर लगा करके रखें, 5-7-10 मिनट लगा करके रखें, उसके बाद उस आटे को कुत्ते को खाने के लिए दे दें। कुत्ते को खाने के लिए देते हैं तो यदि वो कुत्ता उस आटे को खा लेता है तो ये समझ लेना चाहिए कि वह जानवर जो है पागल नहीं है। यदि उस आटे को उस कुत्ते के द्वारा नहीं खाया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसको पागल जानवर ने काटा है, क्योंकि कुत्ता बहुत बुद्धिमान है, ये हम सबको पता है। कुत्ते के अंदर इतनी भी एक सामर्थ्य है कि वह ये बता दें कि यह पागल जानवर का कटा हुआ है या नहीं है। तो उसका परीक्षण करने की विधि भी हम समझते हैं कि इस गेहूं के आटे के द्वारा हम एक परीक्षण कर सकते हैं कि आदमी को पागल जानवर ने काटा है या नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसका प्रयोग हम जरूर करके देख सकते हैं, यदि ऐसा कहीं भी किसी जानवर ने, किसी पागल कुत्ते आदि ने काटे तो परीक्षण कर सकते हैं। परंतु ये निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में हमें रिस्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कभी भी रेबीज होने का संभावना रहती है, पागल जानवर ने काट लिया। तो जो एंटी रेबीज आजकल वैक्सीन मिलते हैं, आजकल इस तरह के इंजेक्शन आते हैं, सबको पता है ये जरूर लगाना लेना चाहिए, पर परीक्षा की दृष्टि से हम जरूर परीक्षा करके देख सकते हैं। दूसरी बात, जो आटे का एक प्रयोग प्रायः हमारी माताएं बहनें करती हैं और जिसका हमने देखा बहुत उसका प्रभाव, उसके गुण को देखा, यदि आप जो गेहूं का आटा है
जैसे मैंने कहा ये पौष्टिक है, ताकत देने वाला है हम सही ढंग से, परंतु यही गेहूं को यदि आप रोटी बना करके खाते हैं तो उससे ताकत मिलती है, और यदि परांठा बन करके घी में तल करके उस गेहूं के रोटी को खाते हैं तो वो जा करके अपचन पैदा करता है। घी इतना नुकसानदायक नहीं है, आटा भी नुकसानदायक नहीं है, परंतु घी आटे का संयोग, रोटी बनाइए, रोटी बना करके रोटी के ऊपर मक्खन रख लीजिए। एक बात ध्यान भी रखना, कई लोग क्या करते हैं रोटी को बड़े चुपटते हैं, घी से चुपटते हैं, तो चुपड़ी हुई रोटी भी जो है वो जा करके हजम नहीं होती है। इसका मैं एक उदाहरण दे दूं, एक रोटी को आप टुकड़ा करके पानी में डाल दीजिए, दूसरे रोटी को घी चुपड़ करके आप पानी में डाल दीजिए, आप देखेंगे कि चुपड़ी हुई रोटी जल्दी गलेगी नहीं, और बिना चुपड़ी हुई रोटी यदि हम पानी में डाल देते हैं तो जल्दी गल जाएगी। एक छोटा सा उदाहरण है पर समझने की बात है। और यदि परांठे को पानी में डाल दीजिए तो और भी नहीं गलेगा। इसी तरह से जो हमारा पेट है उसको, उसका पाचन होने में, उसको पचाने में, परांठे को पचाने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, चुपड़ी हुई रोटी को पचाने में थोड़ी और कम ताकत लगती है, और बिना चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं तो पेट आराम से उसको पचा लेता है। तो आप कहेंगे कि क्या घी का सेवन नहीं करना चाहिए? नहीं, आप घी को सब्जी में डाल दीजिए, आप घी को दाल में डाल दीजिए, तो फिर आप रोटी खाइए, पूरा स्वाद आपको मिलेगा, वो जाकर के डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और यदि आप रोटी के ऊपर घी रख करके भी यदि रोटी के साथ खा लेते हैं तो भी वह जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए चुपड़ी हुई रोटी नहीं, अपितु रोटी के ऊपर घी रख करके, या रोटी को आप जो है घी को दाल सब्जी में डाल करके आप सेवन करें तो वह पाचन हो जाएगा। अग्नि का जो संयोग है, जिस तरह से हम उसको तलते हैं या जिस तरह से अग्नि में उसको जलाते हैं घी को, उससे वह एक जहर पॉइजन इकट्ठा होता है, तो वो हानिकारक हो जाता है, वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो जाता है। दूसरा उपाय ये भी है कि यदि आपको घी खाना है और आप उसको नहीं जलाना चाहते हैं तो आटा जब गूंथते हैं, जब आप गेहूं की रोटी बनाते हैं उस समय आटे के अंदर यदि घी डाल दिया जाए तो वह घी जलेगा नहीं, वह घी उसका अंदर रहेगा, वो आपको ज़्यादा लाभ देगा। तो मैंने मेरी माताओं को, बहनों को यह भी बताने का अभी प्रयत्न किया है कि घी और गेहूं का सेवन हम कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इसका ध्यान रखेंगे तो घरों में से सुबह उठने वाला परांठे की धुएं की जगह वह आप उसका स्वाद से लाभान्वित ज़्यादा हो पाएंगे। Thank you.